पकड़ना, उसको पकड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद मौजन नाज़िम है। आज मैं धर्मपुरा नहर पर मौजूद हूँ। लाहौरिया अपनी जान बचाने के लिए नहर में डुबकियाँ लगाने पहुँच गए और बच्चे नहर में ऐसे खेल रहे हैं जैसे गर्मी नाम की कोई चीज ही नहीं। चले आए देखे मेरे साथ और इनसे बात भी करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, आप नहर पे क्यों आए हुए हैं? हमारे घर में लाइट है नहीं है, घर में इंसानी इतने हर्चे हरा जा कैसे हम पूरा करें। घर में लाइट हमें वो लोग देते नहीं है। कल सुबह हमारी 10 बजे लाइट गई है, शाम को 4 बजे लाइट है इमी का डेडी में। इससे अच्छा बंदे इधर नहर में आएंगे, थोड़ा घूमे फिरे इंजॉय करेंगे। चलिए हम बिन भाई से बात करते हैं कि ये नहर पे क्या करने के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, आप नहर पे क्यों आए हैं? वो घर में लाइट नहीं होती और गर्मी होती है, इसलिए हम नहर पे आ जाते हैं। घर में इतनी गर्मी थी कि यहाँ के मजा आ गया। बताएं कि यहाँ क्या करने हैं? हम दोस्तों के साथ आए हैं यहाँ पे घूमने, ठंडे होने के लिए। क्यों? घर पे लाइट नहीं है, गर्मी है, इधर आ गए दोस्तों के साथ ठंडे हो गए हैं। मैं स्कूल से आया हूँ, इतनी गर्मी लग रही थी मुझे, मैं इसलिए नहर में नहाने आ गया, बड़ी गर्मी लग रही थी। हम स्कूल से आते हैं तो जब भी आते हैं लाइट नहीं आ रही होती, तो इसलिए हम नहाने आए, तो बहुत गर्मी है शदीद थी। बच्चों को लेके हम लोग नहर पे आए हैं, जब जैसे स्कूल से आते हैं लाइट नहीं होती, वहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है, लाइट इतना तंग आ रही है, 1 घंटा आती है 3 घंटे बंद रहती है लाइट। तो कहने का मतलब है कि ये क्या है, ये देखिए आपके सामने ये सारी हालात, लोग जो है ये नहा रही हैं, बच्चे मेरे साथ हैं जो स्कूल से पढ़ के आते हैं, लाइट नहीं है तो क्या करे घर में बैठ के। ये हमारे लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया तंग है इस लाइट की वजह से, पता नहीं क्या करेगी हुकूमत। घर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। घर में रहना बहुत ज़्यादा महाल है, यहाँ पे आके थोड़ा सा सुकून हुआ है। पानी में हम डुबकियाँ लगा के गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं।